का विश्वास है सभी महिलाओं में, युवाओं में, और मात्र शक्ति के साथ सदा आदरणीय बुजुर्ग भी अभी बैठे थे यहाँ पर, और सभी में पूरा विश्वास है। ये कहते हैं आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, हम टिकट भी लाएंगे और जिताएंगे भी बढ़िया तरह से। अच्छा जी, कौन होना चाहिए नरवाना तो कांग्रेस का प्रत्याशी है, किसकी टिकट मिलनी चाहिए? क्या मिलना चाहिए? अच्छा, कितनी टिकट मिलनी चाहिए? विद्या रानी ना, आज कितनी मिलनी चाहिए? हाँ जी, क्या तो मिलनी चाहिए थी, क्या तो मिलनी चाहिए? अच्छी है। किस प्रकार का स्वभाव बताइए? गांव की महिलाएं हैं ये, इन्होंने भी अपना वोट का इस्तेमाल करना है। ताई जी, क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? आप एक महिला हो, आपने भी वोट का इस्तेमाल करना है, किसको टिकट मिलना चाहिए, क्या चाहते हो? विद्या रानी को मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए? अच्छा अच्छा, उम्मीद है भाई अच्छे काम करेगी। अच्छा अच्छा, पढ़े लिखे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उम्मीद है आपकी भाई विद्या रानी को टिकट मिले और काम करेगी। अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट और भी मैदान में है तो विद्या रानी पे दिल ठुका आपका, मतलब? अच्छा, पहले भी आपके पहले भी गांव में आई है, किस प्रकार का व्यवहार मतलब देखने को मिला? दुनिया तंग हो रही है तो करेंगे। अच्छा, मतलब ये काम करवाओगे तुम? अच्छा ठीक है। जितनी भी यहाँ महिलाएं खड़ी है, क्या लगता है कि अब की बार क्या चाहते हो, किसको टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की? अच्छा बात है, तो ये फूल प्रसाद तो। हाँ जी, क्या विद्या रानी जी मैदान में आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं विद्या रानी जी से? है जी, हाँ जी, अच्छा पक्का पक्का विश्वास है? पक्का, पहले भी मैदान में थी, दो बार रही है प्रत्याशी, 14 में 19 में, लेकिन उस समय कुछ और परिस्थिति थी, और अब की बार मतलब क्या लगता है कि अब की बार जो विद्या रानी टिकट भी लेके आए और जीत कर भी आए, मतलब ऐसी आशा रखते हो? हाँ जी, एक एक हाँ जी, पार्टी को चेंज करना चाहते हैं। अच्छा जी, बदलाव जरूरी है, बदलाव में किसको देखना चाहते हो? हर 5 साल बाद बदलाव। अच्छा, किसको देखना चाहते हो, किसका चाहिए? जो युवा को आगे लेके आए। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अच्छा, बेरोजगार बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे जाएगा। ठीक मैडम जी, गांव की महिलाएं हैं और इनकी भागीदारी चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो सबसे आगे रहती है, तो अब की बार भी जैसे आपका कार्यक्रम था बहुत ज्यादा संख्या में आई है, और इनका ये आशा भी करते हैं कि विद्या रानी जी अगर टिकट लेके आती है, टिकट भी दिलाएंगे ये कह रहे हैं इनका, और जीत के भी दिलाएंगे, मतलब कैसे विश्वास हुआ है इनको? सबसे पहले तो आप सभी चैनल वालों का यहाँ पर मैं पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और आप देख ही रहे हैं किस तरह का विश्वास है सभी महिलाओं में, युवाओं में, और मात्र शक्ति के साथ सदा आदरणीय बुजुर्ग भी अभी बैठे थे यहाँ पर, और सभी में पूरा विश्वास है। ये कहते हैं आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, हम टिकट भी लाएंगे और जिताएंगे भी बढ़िया तरह से। अच्छा जी, तो जैसे मैम जी अगर आपको कल को टिकट मिल जाती है और जीत कर भी आप आ जाते हो, तो सबसे पहले क्या कार्य रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपको गांव के अंदर? मेन तो हम महिलाओं की साथ देंगे, जैसे हमारी छोटी बच्ची हैं, स्कूल जाती हैं, स्कूल की वजह से बस नहीं आ पाती, उसकी वजह से कई बार बच्चे रह भी जाते हैं। बिल्कुल, मैं बच्चों की, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, स्कूलों के लिए, इनकी हर जरूरत जो मेरे को बच्चे आकर कहेंगे वो पूरा करने का भरकस प्रयास करूंगी और पूरी तरह से कराऊंगी, ताकि मेरी बेटियां आगे पढ़े और आगे बढ़े। बहुत अच्छा स्वागत किया सभी ने, दिल से स्वागत किया, सभी हमारे बुजुर्ग भी पहुंचे, नौजवान साथी भी बोले पहुंचे, और मात्र शक्ति भी यहाँ पहुंची जैसा कि आप देख रहे हैं, और सभी ने फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, और बड़ी उम्मीद से यहाँ पहुंचे हैं और चाहते हैं कि हम अगला विधायक अपना बनाएं और जो रुके हुए काम है उनको पूरी तरह से आगे गति दें। अच्छा, फूला फूल है, चलो
ठीक उम्र उतारती कांग्रेस का गला है, इसके साथ दिल से लगती है, तो ये हर्ष से फर्श और फर्श से हर्ष पर पहुंचाने में काम करती है। पूरा नरवाना हल्का, उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हल्के वासियों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अब की बात बड़े सोच समझकर मतदान करना। इस पार्टी से सबका मोह भंग हो गया है। आप दोबारा से हरियाणा का विकास और युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, महिला की सुरक्षा की बात आप करते हो और हमारी बेटियों को आगे पढ़ाने की बात करते हो, खिलाड़ियों के भविष्य की बात करते हो और शहर के गांव के विकास की बात करते हो, तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपके हर वादे पर खरी उतरती है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है तो हर वर्ग उससे खुश रहा है। इसी प्रकार का धरना, इसी प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी में आपने कभी नहीं देखा होगा, और जबकि मौजूदा सरकार में ऐसा कोई वर्ग आपने नहीं देखा होगा जो धरने प्रदर्शन पर ना बैठा हो, चाहे उसमें हमारी मातृशक्ति हो, हमारी बेटियां हो, हमारे युवा साथी हो, हमारे आदरणीय बुजुर्ग हो और हमारे किसान हो, हमारे सरपंच हो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं रहा जो धरने पर ना बैठे। तो मैडम जी, आप जैसे 61 गांव पड़ते हैं नरवाना के, तो उनके अंदर जा रहे कार्यक्रम भी आपके लगातार चले क्योंकि लोगों को स्वागत कर रहे हैं, तो क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जैसे आप जा रहे हो? लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन अच्छे के लिए चाहते हैं। देखो, जब जनता को लगता है ना ये काम की सरकार नहीं है, तभी ये सरकार को बदलने का काम करते हैं। अब इन्होंने देख लिया, इनके लुभावने वादे सुन लिए और मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो कहीं पर भी पूरे नहीं हुए। ऐसे में सरकार को बदलना आम जनता चाहती है और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के अंदर 47 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्या इससे ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा या फिर ऐसे ही बरकरार रहेगी? इससे ज्यादा हमें प्लस पॉइंट मिलेंगे और जनता में एक जो अफवाह फैली थी इस बार 400 पार, वो 400 पार का नारा आपने यहाँ पर खुश होते देख ही लिया है। और जनता में कहीं ना कहीं जनता को डराया भी गया था और खोखले वादे भी किए गए थे, वो सारे जनता समझ चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोबारा से हरियाणा गति पकड़ेगा विकास की दौड़। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।